दोस्तों, आज मैं आपको प्याज से कई सारी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के। इतनी बड़ी बड़ी सी बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेट में किसी भी तरह की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आँतों में सूजन है, पेट में सूजन है, फूड पॉइजनिंग की समस्या है, हैजा है, या फिर बवासीर की समस्या, या पीलिया रोग है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर ब्लॉकेज की समस्या है, आँत में छाले हैं, छोटी आँत, बड़ी आँत में किसी भी तरह का सूजन, इन्फेक्शन है, हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है दोस्तों, या फिर जोड़ों में दर्द है, या फिर है मांसपेशियों में दर्द, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्याज को इन चीज़ों के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ के बारे में सही से पता चल जाए, क्योंकि इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है जानना। तो दोस्तों, अगर आप इसे भी स्किप नहीं करते हैं तो पूरे फायदों को उठाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बवासीर की। बवासीर एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हमारे अनुचित खान पान या फिर हमारी लाइफस्टाइल सही ना होने की वजह से ये पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा आजकल आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग हो गए हैं जिनको ये पाइल्स की समस्या है जिससे बहुत परेशान है। पाइल्स में क्या होता है, एनस मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिससे इंसान को सबसे ज़्यादा तो समस्या होती है कब्ज की। कब्ज इतनी ज़्यादा होने लगती है कि ये बवासीर का समस्या बन जाता है, यही आगे चल के भगंदर और फिसर का भी रूप ले लेता है। तो दोस्तों, आपको अगर बवासीर की समस्या है तो कैसे कर सकते हैं उपचार। सबसे पहले जानते हैं मसों के लिए। अगर मसों की समस्या है दोस्तों, तो आप इसी प्याज को देसी घी में इसे अच्छे से पका लीजिए। पकने के बाद जो घी तैयार होता है उसी घी को दिन में 2 से 3 बार लगाइए। मात्र 7 दिन में बवासीर के मसे पूरी तरह से जड़ से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्याज के रस में आप अगर इसमें मिश्री पाउडर डाल के सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, मात्र 7 दिन करके देखिए, पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको खूनी बवासीर की समस्या है तो आप इसी तरह से जो प्याज का रस है इसमें मिश्री पाउडर डाल के अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो पहले दिन ही आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पाइल्स में खूनी बवासीर के लिए दूसरा तरीका भी बता रही हूँ प्याज से ही आप कैसे कर सकते हो उपचार। आपको लेना है 1 कटोरी दही, उसमें डालिए प्याज के कुछ टुकड़े। अगर आप प्याज के टुकड़े डाल के दही के साथ खाते हैं तो खूनी बवासीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आप इस तरह से इस उपचार को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, हाइपर एसिडिटी जिसे पित्त बनना कहते हैं या फिर पेट में तेजाब बनने की समस्या, उसमें आप कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको सिर्फ सिंपली यूज़ करना है प्याज। जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ ही आप प्याज का सेवन करें, आप देखेंगे आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पित्त बिल्कुल नहीं बनेगा शरीर में और भोजन भी आसानी से पचने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपके छोटी आँत या बड़ी आँत में छालों की समस्या है तो सिर्फ खाने के साथ प्याज के कुछ टुकड़े आप खाया करिए, आप देखेंगे छाले पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर ब्लॉकेज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी की समस्या है दोस्तों, तो आप देखेंगे अगर आप इसी तरह से खाने के साथ दोनों टाइम जब खाना खाते हैं तो प्याज के कुछ टुकड़ों को जरूर खाइए। नेक्स्ट उपचार है दोस्तों, पीलिया जिसे हम जॉइंटिस के नाम से जानते हैं, इसमें कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको करना क्या है, प्याज को इसी तरह कद्दूकस कर लीजिए, इसके रस को निकाल लीजिए। 200 ml के करीब आपको इसका लेना है रस। इसमें आप डालेंगे मिश्री का पाउडर, धागे वाली मिश्री लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीनी डाल सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। उसको डाल के सुबह सुबह खाली पेट आपको लगातार 3 दिन पीना है दोस्तों। अगर आपको जॉइंटिस में फ़ायदा मिले तो इसे लगातार 7 दिन करके देखिए, जॉइंटिस की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट उपचार दोस्तों, पाइल्स की समस्या में कभी कभी ऐसा होता है कि मस्से बाहर की तरफ आने लगते हैं और पूरी तरह से एनस मार्ग प्रभावित हो जाता है, आप उसको कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको खाने के साथ प्याज के रस को, जो आपने बनाया है ना प्याज का रस, इसी प्याज के रस में मिश्री का जो पाउडर होता है, जब खाना खाते हैं तो उसके पहले ही आप इस रस को पीजिए, उसके आधे घंटे के बाद आप खाना खाइए। ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम होती है इस तरह की, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह सुबह खाली पेट आप उसको नियमित रूप से 7 दिन करके देखिए, आपके जो पाइल्स की समस्या होती है इस तरह मसों वाली, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट उपचार दोस्तों, अगर आपके छालों की समस्या है, पेट में छाले हैं, छोटी आँत, बड़ी आँत में, तो आप इसके रस को इस तरह से नियमित रूप से लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, या फिर प्याज को ही खाने के साथ अपने दोनों टाइम मील पे जरूर लीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो पेट में के जो आँतें होती हैं उसमें किसी भी तरह का अगर आपको परेशानी है, आँतों में सूजन है, आँतों में छाले हैं, तो ये सारी समस्याओं को दूर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हैजा हुआ है, फूड पॉइजनिंग की समस्या अगर कभी हो जाए ऐसी, तो आपको कैसे करना चाहिए उपचार। प्याज का रस लीजिए, उसे गर्मा लीजिए, 1 चम्मच प्याज का रस गर्म करके उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए, इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसे 2 बार आप इसको लीजिए, आप देखेंगे ये हैजा फूड पॉइजनिंग की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
दोस्तों इसके अलावा अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, कब्ज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, पेट में दर्द बना रहता है तो कैसे कर सकते हैं उपचार। दोस्तों आपको लेना है 2 चम्मच सिरका, सिरका आप लीजिए एप्पल साइडर विनेगर, जो आप सेब का सिरका के नाम से जानते हैं उस सिरके को यूज़ करिए 2 चम्मच। उसके अलावा 2 चम्मच ही प्याज का रस लेना। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके दोस्तों खाने के बाद, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आप इसको यूज़ करके देखिए, पेट में दर्द की समस्या है या कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है, हाथों में सूजन हो गया है, पेट फूला फूला सा रहता है, उसमें सूजन आ गई है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सा रामबाण नुस्खा है। आप इसे ज़रूर एक बार आजमा के देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्याज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसे बताए गए अनुसार अगर आप करते हैं दोस्तों, तो ये जितनी बीमारियां हमने आपके साथ शेयर की इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका आप ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनको नहीं करना चाहिए प्याज के रस का सेवन। प्याज के रस जो होता है खून पतला करने का काम करता है, तो जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं साथ साथ, उन्हें प्याज का रस का सेवन नहीं करना है। या फिर रिसेंटली अभी जल्द में किसी की सर्जरी हुई है तो उन्हें प्याज के रस का सेवन नहीं करना है। बस इन बातों का ध्यान दीजिए, और जो मात्रा बताई गई है एक बार में 200 ml के करीब ही आपको प्याज का रस लेना है। इससे ज़्यादा आप इसका सेवन ना करें। और इस तरह से धागे वाली मिश्री के साथ करेंगे तो पेट की जो बीमारी हमने बताई है बहुत ज़्यादा इससे आपको आराम मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर बवासीर की समस्या है या फिर अल्सर की समस्या है तो आप हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिए, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपकी बीमारियों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करेंगे। और बताए गए अनुसार प्याज का सेवन करें और इसके फ़ायदे को उठाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।